अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। वेलकम टू रिफ्लजेंट पब्लिक स्कूल ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट, टुडे आवर लेसन इज़ चैप्टर नंबर 11, होम्योस्टेसिस। सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, हाउ द प्लांट डूइंग द होम्योस्टेसिस प्रोसेस, हाउ दे स्टेबल देम एंड विच टाइप्स ऑफ प्रोसेसिस दे यूज टू स्टेबलाइज देयर होम्योस्टेटिक कंडीशंस एंड हाउ द ह्यूमन बॉडी इज़ doing the homeostasis process. So here we discuss some new things, that is the structure of nephron, definition what is nephron, the functional unit of kidney is called nephron. There are over 3 million nephron in each kidney. हर एक किडनी में 3 million से ज़्यादा nephron जो सी हैं वो मौजूद होती हैं. Parts of nephron, there are two types of nephrons, renal corpuscle and renal tubules. ठीक है, एक को हम लोग renal corpuscle कहते हैं और एक को हम लोग renal ट्यूब्यूल कहते हैं। सो स्टूडेंट, व्हाट इज़ रेनल कॉर्पसल? द रेनल कॉर्पसल इज़ नॉट ट्यूबुलर एंड हैज़ टू पार्ट्स, ग्लोमेरुलस। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, ग्लोमेरुलस जो है वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज वेन्स होता है, और बाउमेन कैप्स्यूल इट इज़ द कप शेप स्ट्रक्चर एंड इनक्लोज द ग्लोमेरुलस। ठीक है, मतलब कि ये कप शेप स्ट्रक्चर होगा बाउमेन कैप्स्यूल का, और इसमें जो है वो बहुत सी कैपिलरीज मतलब कि ग्लोमेरुलस जो हैं वो मौजूद होंगी, जो कि मिलकर इसका कप शेप स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगी। सो रेनल ट्यूब्यूल, रेनल ट्यूब्यूल इज़ द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच स्टार्ट आफ्टर बाउमेन कैप्स्यूल। इट हैज़ 3 पोर्शन, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लोप ऑफ हैनल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, मतलब कि पहले हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो हैं वो कैपिलरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास बाउमेन कैप्स्यूल मौजूद था, और ये फर्दर डिवाइड हुआ है रेनल ट्यूब्यूल में, जो कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हैं, लोप ऑफ हैनल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हैं। सो व्हाट इज़ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल? द फर्स्ट पोर्शन ऑफ रेनल ट्यूब्यूल इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। लोप ऑफ हैनल, द सेकेंड पोर्शन ऑफ रेनल ट्यूब्यूल इज़ यू शेप एंड इज़ कॉल्ड लोप ऑफ हैनल। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, द थर्ड एंड लास्ट पोर्शन ऑफ रेनल ट्यूब्यूल इज़ डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को फर्दर जो है लोप ऑफ हैनल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हैं, देन है कलेक्टिंग डक्ट। द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इन टू अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट एंड कैपिलरी डक्ट। मैनी कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म सेवरल हंड्रेड कैपिलरीज डक्ट विच ड्रेन इन टू रेनल पेल्विक्स, जो कि ड्रेन होंगे हमारे पास रेनल पेल्विक्स में। सो इस तरह जो है वो पेपलरी डक्ट जो हैं वो बहुत से कलेक्शन ऑफ डक्ट हैं, जो कि ज्वाइन टुगेदर होंगे टू फॉर्म 100 पेपलरी डक्ट विच ड्रेन इन टू रेनल पेल्विक्स। सो स्टूडेंट, हेयर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आप देख रहे हैं कि कैसे किडनी का जो आउटर एक पोर्शन का जो है वो स्ट्रक्चर कट किया गया है, और उसका आपको डाइसेक्टेड पार्ट दिखाया गया है कि हमारे पास ग्लोमेरुलस कैप्स्यूल है, रेनल कॉर्पसल है, रेनल आर्टरी है, रेनल वेन है, लोप ऑफ हैनल है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, और लास्ट में हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है जो कि ओपन होता है जाके यूरिटर में। तो इस तरह जो है ये अभी आपको दिखाया गया है, सिर्फ एक पोर्शन का डाइसेक्टेड पार्ट दिखाया गया है किडनी का, मतलब कि अपर साइड पे से इस पोर्शन को कट आउट करके जो है आपको न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा है।